पतला सा। हाँ जी, पानी से पतला कौन है? शिव भक्ति मार्ग की कैसेटों की बातें पूछना शुरू कर दी है क्या? तख्त, एक तो समान का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और सेवा का तख्त, हरेक को अपना अपना मिला हुआ है। हाँ ज्ञान चंद्रमा। बड़ी भारी परेशानी तुमको आ गई। पूर्णमासी होती है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो एक तरफ सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। इसमें कोई नई बात है क्या? होता है या नहीं होता है? तो सूर्य उदय करने का कार्य स्पेशल बच्चों का है। ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करेंगे तो चंद्रमा अपने आप अस्त हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। बच्चों का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? है पूरे ड्रेस कोड जो ब्राह्मण बच्चे हैं अभी का, उनका एक्यूरेट ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? अभी तो हम चिंते वो ज्यादातर मुसलमान ही चिंते, जैसे और क्रिश्चियन लोग चिंते ज्यादातर ड्रेस, अभी जब हम चिंते कुर्ता पायजामा और सूट साड़ी, लेकिन एक ब्राह्मण बच्चे का एक्यूरेट ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? ये ब्राह्मण बच्चे नौकुरियों के हैं, नंबर वार नौ नौ धर्मों से कनेक्टेड हैं, तो एक ही ड्रेस होगी या अलग अलग भी हो सकती है? हैं? अलग अलग होगी। और जो अव्वल नंबर बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनकी ड्रेस तो लाइट की ही होनी चाहिए। कौन सा रंग सबसे ज्यादा लाइट मारता है? सफेद रंग। हाँ सर, बेल पर आइटम लगाए सर, बेल पर कब आइटम लगाए? बेल पर कब आइटम लगाए? बैल कौन है? है ब्रह्मा बाबा। और चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा में जब संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा एडवांस, तो ऑटोमेटिक हाई जंप हो जाएगी। एडवांस का जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो बैल बैठने देगा? है सवारी करने देगा? नहीं करने देगा। और पानी से पतला कौन है? फिर वही पानी से पतला कौन है? पानी को पकड़ो, ऐसे पकड़ में आएगा? नहीं। और ज्ञान, ज्ञान महीन होता है या मोटा होता है? ज्ञान तो बहुत महीन से महीन होता है, बाल में से खाल निकालते चले जाओ। और दुनिया भर को जो अभी शिवरात्रि मनाते हैं, क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। हाँ क्या इस दिन बाबा शिव उसी दिन प्रवेश कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा में? भक्ति मार्ग में भक्ति के अनुसार मनाते हैं, स्थूल बातों को मनाते हैं। एक स्थूल रात्रि होती है दुनिया में और एक बेहद की रात्रि होती है।
वेद की रात्रि वो होती है जब दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, भौतिकता में डूबे हुए होते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से जैसे कुछ लेना नहीं देना नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो भी जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है उसमें भी नंबरवार हैं। बाप आ गया, ज्ञान सूर्य आ गया, तो ज्ञान सूर्य की रोशनी में बच्चों को डूब जाना चाहिए। परंतु अपने ही जन्म जन्मांतर के संस्कारों में फंसे रहते हैं, अज्ञानता में फंसे रहते हैं, है तो नंबर वन। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधकार और फिर एडवांस की दुनिया जो निकलती है इसे बेहद में तीसरी दुनिया कहा जाता है, उसमें भी नंबरवार हैं। एक धर्म के बीज नहीं है, सभी धर्मों के बीज हैं। तो और धर्मों के जो बीज हैं उन धर्मों के धर्म पिताएं जो बीज रूप बाप कहे जाते हैं वो भगवान को पहचानते हैं या अज्ञान अंधकार में रहते हैं? है? अज्ञान अंधकार में ही रहते हैं। भल बाप आ जाता है उनका हुजूम 90% से भी ज्यादा होता है या थोड़ा होता है? ज्यादा होता है। बाकी रहे सूर्यवंशी बच्चे, उनमें भी राज परिवार के भी हैं, प्रजावर्ग के भी हैं। पहले रोशनी में कौन आएंगे? राज परिवार वाले नंबर वार रोशनी में आते हैं, क्योंकि जो राजा बनने वाले 108 बच्चे हैं उनमें 100 तो और धर्मों को विशेष सपोर्ट देने वाले हैं और 8 सर्वोपरि हैं। 8 में भी नंबर वार हैं, एक जैसे हैं, नंबर वार हैं। तो 8 में भी जिसे एक में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी गुप्त पार्ट बजाता है। इसलिए जन सामान्य के लोग तो पहचान ही नहीं सकते, पहचानते हुए भी माया उनको वायलोरे में डाल देती है, बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। तो ऐसी हालत जब सारे संसार की हो जाती है, बाहर की दुनिया वाले भी अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में, बीके वाले भी अंधेरे में, एडवांस वाले भी अंधेरे में, और एक अपने को गुप्त रखता है जो अंधेरे में नहीं होता, तो सारी दुनिया में महाशिवरात्रि हुई, अंधेरा हुआ,
अज्ञान अंधेरा हुआ या रोशनी हुई, ऐसा जब समय आ जाता है, ऐसी जब शूटिंग होने लगती है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में, तब अति का ज्ञान अंधेरा फैल जाता है। और वो टाइम है जबकि सात आठ में से सात अष्टदेव भी अंधेरे में होते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म में वो भी भगवान पाटधारी के साथ साथी बनकर के नहीं रहते, माया उनको भी अंधेरे में डुबो देती है, कन्वर्ट कर देती है। वो महाशिवरात्रि कही जाती है, 5000 वर्ष की ड्रामा में इससे बड़ी रात्रि और कोई होती ही नहीं। सारे संसार में महान अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। अर्थात अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चों को भी अज्ञान अंधेरा छा जाता है। वो समय कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? है? वो ही सेकंड सबसे कल्याणकारी है, जबकि परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उसका गायन है महाशिवरात्रि। परंतु भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि मनाते हैं और बीके में जो शिवरात्रि नहीं मनाते हैं लेकिन शिव जयंती मनाते हैं, वो भक्ति मार्ग वालों के देखा दूनी मनाते हैं या सोच समझ के मनाते हैं? असली तो किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि भगवान बाप तो बताते हैं, मैं जब आता हूं तो कोई को पता चलता है क्या कि मैं कब आता हूं और कब जाता हूं? कोई को पता नहीं चलता, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। चलो आने की बात तो रही, आत्मा भी गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या कोई को पता चलता है? नहीं पता चलता। परमपिता भी आत्मा है, वो भी ज्ञान गर्भ में आता है, जब आता है तो सब को पता नहीं चलता। हाँ, जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो कोई साकार मुकर्रर रथ में जब बाप प्रवेश करते हैं, ऐसे रथ में जो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूर्ण कही जाए, वो 100 साल आयु पूरी होती है और जो षष्ठी रूपी रंगमंच के मूल बच्चे हैं, खास खास धर्मों की बीज रूपात्मा है, उनको ही पता चलता है। देवता धर्म, इस्लाम धर्म के बीज,
बौद्धि धर्म का बीज है और क्रिश्चियन धर्म का बीज, वो भी पता चलने में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं। उनमें भी एक संपूर्ण जानकार होता है कि बाप आ गया, बाकी जो तीन धर्मों के बीज हैं वो पक्की पहचान नहीं कर पाते। वो 100 साल 76 में पूरे होते हैं, उसे भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं कहेंगे। असल में बल प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, बाप दादा नहीं घोषणा की प्रत्यक्षता वर्ष की, परंतु क्या सारी दुनिया ने जाना? जिसने देखा, जिसने सुना, वो जानने की स्टेज में आ गया क्या? नहीं आया। तो शिव जयंती उसे भी नहीं कहेंगे। शिव जयंती तो साकार स्वरूप की प्रत्यक्षता की होती है। निराकार आत्मा तो पहले से ही आ जाती है। तो जो शिव जयंती मनाई जाती है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो नकल है भक्ति मार्ग वालों की। नकल में असल नहीं होता है। असली शिव जयंती तो अभी आने वाली है, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से निकले हमारा बाप आ गया। परंतु ये प्रत्यक्षता होने से पहले एक टाइम ऐसा भी होता है जब संपूर्ण अंधकार होता है, उसे सूर्योदय नहीं कह सकते। ज्ञान सूर्य है और चाहे स्थूल सूर्य, दोनों ही सूर्य है, उदय होने की बात को विदेशी पहले जानते हैं या स्वदेशी पहले जानते हैं? विदेश में नए दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे से। वो जानते हैं कि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि कब होती है, और भारतवासी है, भारतवासी तो कुंभकर्ण है, जन्म जन्मांतर कुंभकर्णों की पूजा करते रहे हैं ना, कुंभकर्णों के फॉलोअर्स रहे हैं, तो जल्दी पहचान नहीं पाते। पहचान में भी नंबरवार है। और प्रिंसिपल
सुप्रीम कोर्ट ब्रह्मा द्वारा पाठ बजाते हैं और शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं और विष्णु द्वारा पाठ बजाएंगे। जो ब्रह्मा है वो विष्णु भी है और ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक हैं? अनेक ब्रह्मा नामधारियों में से कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा भी होगा ना। जिसके लिए गीता में भी बोला है मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये परम ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कौन हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा टाइटल धारी हैं, उनका टाइटल प्रजापिता नहीं है, एक का ही टाइटल है प्रजापिता। और उसकी खासियत यह है कि जब तक इस संसार में 500-700 करोड़ प्रजा में से एक भी बचेगा वो प्रजापिता का पार्ट लोप नहीं हो सकता है। जिसके लिए मुरली में बोला है फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। सारी दुनिया का फादर है या कोई का फादर है कोई का नहीं है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का फादर है। हर धर्म के लोग उस सृष्टि के आदि पुरुष को मानते हैं। जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसकी पहचान देते हैं वही परम ब्रह्म है। तो जितने ब्रह्मा उतने ही विष्णु। विष्णु की कितनी भुजाएं? चार भुजाएं हैं। वो चारों भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला है? भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती, भुजाएं माने मददगार। तो चार ब्रह्मा नामधारी ऐसे हैं जो कोई के चलाने से चलते हैं और एक परम ब्रह्म ऐसा है जो उन चारों को चलाने वाला है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। इसलिए संसार में एक ही नामधारी व्यक्तित्व है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और भूमि से भारी कौन है? भूमि से भारी कौन है? भूमि माटी। अरे तुम भक्ति मार्ग के कैसेटे ही रट रखी हैं, वो ही सुनते हो 24 घंटे। हाँ नीचे रुको रुको हैं? सर जो जटाएं जटाएं जटाएंगे वो जटाएं बाद में निकलती है, वो असली बीज नहीं है इसलिए नहीं दिखाए। हमारे ज्ञान का मूल्य उद्देश्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना या सभी धर्मों के बीज रूप बाप को प्रत्यक्ष करना? इसलिए एक ही बीज एक ही जड़ दिखाई गई है।
मुझे तो पढ़ाई 12 महीने की है, तो जो पढ़ाई 9 महीने की और 3 महीने की स्थापना, ये पॉइंट सबके भीतर ये कब बोला गया? ये मुरली कब की चली हुई है? है जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की चली हुई है। ब्रह्मा बाबा 33 साल जीवित रहे और उसके बाद 10-11 साल के बाद बाप की प्रत्यक्षता हुई। तो जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले एडवांस के बच्चे हैं, उनकी स्थापना का कितना टाइम हुआ? अरे 33 साल ब्रह्मा बाबा के और बाकी 10-11 साल एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता के। तो स्थापना हुई या नहीं हुई? स्थापना हो गई। और बाबा बोला कि शास्त्र, अरे तुम कान के पास बैठे हो। हाँ शास्त्र ने बोले, रुको रुको रुको। हाँ जन्म से सत्युग में जन्म से लेकर शरीर छोड़ने छोड़ने तक कैसे चलेगा? नहीं क्या चलेगा? हाँ जन्म से कैसे चलेगा? जन्म से लेकर छोड़ने तक कैसे चलेगा? कैसे चलेगा का माने क्या है? पारिवारिक सिस्टम पूछे कैसे चलेगा? माँ बाप और बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं। हाँ बाबा ने बोला कि साकार जानी जाने ना हाल नहीं है। साकार जानी जाने ना हाल नहीं है, ठीक है। निराकार जानी जाने ना हाल है। निराकार जब साकार में प्रवेश करता है हाँ, तब वो जानी जाने ना हाल बनता है? नहीं, निराकार साकार में प्रवेश करके उससे पहले पुरुषार्थ कराता है या प्रवेश करने से ही संपन्न हो जाता है? है पहले पुरुषार्थ कराता है निराकारी बनने का। जब संपूर्ण बाप समान बन जाए तब वो भी अंतर्यामी हो जाएगा। उसे कहेंगे निराकार अंतर्यामी है, अंदर की बात को भी जान लेता है, बाकी बिंदी जान लेती है। इसका कोई मतलब हुआ? इसका तो कोई मतलब ही नहीं। संपूर्ण जब बनेगा तब जान। हाँ जी, तब निराकार को कहेंगे अंतर्यामी। तो जब भी कभी हो, मुरली में तो सब कुछ बता दिया। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो निकाल लो कब की बात है। बाबा दुनिया वालों को जब समझाते हैं, हम बोलते हैं कि मनुष्य में 84 जन्म लेते हैं 84 जन्म, लेकिन इसका वो बोलते हैं उसका प्रूफ क्या है? 83 क्यों नहीं होता है? 85 क्यों नहीं होता है? 84 तुम पर्टिकुलर नंबर बताते हो तो इसका प्रूफ क्या है? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई कहे कि नाक यहाँ सामने क्यों है, पीछे क्यों नहीं? अरे पीछे होती तब भी तुम कहते ये पीछे क्यों है, दाएं बाएं क्यों नहीं? ड्रामा में जैसा है वैसा ही होगा, और कोई न कोई कारण से ही कोई कार्य होता है। 84 जन्म सब मनुष्यों के होते हैं क्या? हैं? नहीं, जो अव्वल नंबर अल्लाह का स्थापन किया हुआ अव्वल नंबर दीन है, अल्लाह बल दीन, वो ही धर्म के लोग 84 जन्म लेते हैं। बाकी और धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, भले वो सतयुग के त्रेता के देवताएं हों, लेकिन वो 84 जन्म नहीं लेते। तो हर एक बात का कोई कारण होता है ड्रामा में। और जो मनुष्य का बीज है वो किसी ताकत से ज्ञान लिया है? जो सारी मनुष्य
सृष्टि का बीज है वो कोई खका बीज है ज्ञान लिया या नहीं? जैसे ज्ञान लेगा वो उसका बाप हो गया ना, तो उसका भी कोई बाप हो गया कि नहीं है? लेकिन शास्त्रों में तो यही मानते हैं कि शंकर का कोई बाप नहीं। दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं कि आदम का कोई बाप नहीं, एडम का कोई बाप नहीं। कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। शिवशंकर एक हो जाता है, इसलिए उसको ज्ञान बीज डालने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर है भी तो निराकार ज्योति बिंदु शिव है। हाँ जी बाबा, हाँ रुको 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 हाँ है? मुरली ने जिक्र शंकर का गुरु कैसे हो सकता है? पतित बनता ही नहीं। कौन? शंकर तो पतित बनता ही नहीं। शंकर का गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता ही नहीं। अभी नया प्रश्न ये है, जब शंकर पतित नहीं बनता है गुरु का आवश्यकता नहीं, याद में जो दिखा गया है शंकर का सुन नहीं है दूसरा कमाल है। ये बात बताओ कि सृष्टि के आदि में पहला सतो प्रधान विष्णु पाठधारी था या नहीं था? जो आदि में वो अंत में अंतिम जन्म में होता है या नहीं होता है? होता है। और जो भी देहधारी मनुष्य हैं उनको संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और संघ का रंग लगने का कोई कारण होता है या नहीं होता है? है? होता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध है शंकर क्या करता था? अरे कुछ करता था कि नहीं है? याद में बैठा था। ये कोई काम होता है क्या? अरे याद है, इंद्रियों से की जाती है या मन से की जाती है? वो तो कोई कार्य ही नहीं है। कार्य कर्म इंद्रियों से किया जाएगा। लेकिन शंकर कुछ करता है या नहीं करता है? कुछ नहीं करता है। विष पीता है सबसे बड़ा काम है। तो जो पीता है वो साकार है या निराकार है? साकार है। और साकार को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो याद करेगा तभी घटेगा या बिना याद किए संग का रंग घटेगा? याद तो करना पड़े। इसलिए मुरली में कहा है जितना तुम विकारी बनते हो उतना ही तुमको याद करना पड़ेगा। 63 जन्म जो आत्मा जितना विकारी बनी है, जितना समय विकार में रमण किया है, उतना ही टाइम याद करना जरूर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा याद कौन करता है? है? हाँ शंकर करता है। कमाल है। ब्रह्मा कानों से सुनने सुनाने की पढ़ाई पड़ता है कि मन से समझने समझाने की पढ़ाई पड़ता है? तो सुनना सुनाना ज्यादा ऊंची चीज है या मन बुद्धि से समझना और समझाना बड़ी चीज है? बड़ी पढ़ाई तो समझना समझाना है। हाँ बाप का सद्गुरु का जो पाठ है जब संपन्न होगा तो सद्गुरु भी होगा। संपन्न नहीं है जो बैल का पार्ट है, उस पर सवारी ही नहीं की है
तो संपन्न कहेंगे नहीं कहेंगे। ईश्वरीय परिवार में हो तो, लेकिन नंबरवार हो या सभी ईश्वर हो है? नंबरवार है। ईश माने शासन और वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शासन करने वाले को ईश्वर कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञानी तो हैं, एक जैसे ज्ञानी हैं या नंबरवार ज्ञानी है? नंबरवार ज्ञानी है तो दूसरों को चलाने की कला नंबरवार जानेंगे या एक जैसी जानेंगे? है नंबरवार जानेंगे। हम पहले ऊंचा थे ईश्वर परिवार में ना, ऊंचा परिवार ब्राह्मण परिवार, और दुनिया वालों के मुकाबले जो ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा के बच्चे वो ऊंचे ही हैं। दुनिया वाले तो भूत प्रेत बनते हैं, क्या कहा? और सूर्यवंशी, सूर्यवंशी भूत प्रेत नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु वाले नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु उनकी होती है जो जन्म जन्मांतर बहुत पाप करते हैं। पापों का बोझा बहुत न बढ़ जाए इसलिए बीच में ही अकाले ही उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उनको जीवन चलाने की पढ़ाई पढ़ाने वाला भगवान नहीं होता है, वो धर्म पिताओं की पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं, इसलिए भूत प्रेत बनते हैं। बाबा में आता है कि ज्ञान कस्तूरी ज्ञान है। इसका मतलब क्या है कस्तूरी ज्ञान? मृग जो है वो सीधा साधा होता है या हिंसक होता है? और ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था? सीधा साधा था। मृग भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक मृग ऐसा भी होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी माने सुगंध, धारणाओं की सुगंध होती है या नहीं होती है? होती है। कुंभी पाक, कुंभ, कुंभ माने घड़ा। जब पापों का घड़ा भर जाता है तो ये बुद्ध रूपी कुंभ जो है वो पक जाता है। तो ऐसों को जबरदस्त पाप का भोगना भोगनी पड़े या साधारण भोगना भोगनी पड़े? जबरदस्त भोगनी पड़े, उसको कहते हैं कुंभी पाक नरक। आपको सूर्या पाक कहा जाता है। और सब आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो सब आत्माओं के पार्टी के मुकाबले तुरिया है, अलग थलग है, इसलिए उसको तुरिया कहते हैं। और जो आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं, और एक आत्मा सुप्रीम सोल ऐसी है जो भोगी नहीं है, इसलिए तुरिया है। और आत्माएं जो हैं कर्मों के बंधन में आती हैं, एक आत्मा ऐसी है जो सभी कर्मेंद्रियों से कर्म भी करती है, कर्म करके दिखाती भी है, लेकिन उनके बंधन में नहीं आती, इसलिए तुरिया है।
लोभी ब्राह्मण को लोभी क्यों बोलते हैं? ब्राह्मण को लोभी क्यों बोलते हैं? लौकिक ब्राह्मण लोभी नहीं होते हैं, है? और अलौकिक ब्राह्मण उनकी शूटिंग करने वाले लोभी नहीं होते हैं, है? होते हैं, है? कहीं बुलाए जब तक देवता को ज्ञान नहीं होता, फिर कहीं बुलाए देवता को आत्मज्ञान नहीं होता, फिर कहीं बुलाए देवता को ज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, आत्मिक शक्ति रहता है, क्या नाम? किसी ने समझा नहीं और हम तो बहरे हो गए, है? कहीं कहीं बोली में बोला है सत्ययुग में देवताओं को आत्मज्ञान रहता है, देवताओं को आत्मज्ञान जब रहता है तो बोला है, फिर और कहीं बोला है सत्ययुग में देवताओं को ज्ञान नहीं रहता लेकिन आत्म की स्थिति रहता है। हाँ वही है, ज्ञान का बीज है, ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का सार क्या है, अपन को आत्मा समझना, यही ज्ञान का सार है। अगर ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि हम 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते अपन को क्या समझे, आत्मा समझे, देह की विस्मृति हो जाए तो हम ज्ञान के सार में टिक गए। जिसको सार मिल गया वो विस्तार का क्या करेगा? और तो संकट को प्रजक्ता नहीं है, संकट को प्रजक्ता नहीं करें, ठीक बात है। शंकर है, शंकर का अर्थ क्या है, है? मिक्स है। कौन कौन सी आत्माएं उसे एक ही व्यक्तित्व में मिक्स होकर के पार्ट बजाती है? रजो प्रधान ब्रह्मा, सतो प्रधान शिव और तमो प्रधान राम की आत्मा है। ये तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती है। तो सतो प्रधान प्रजापिता होगा आखिरी जन्म में, है? नहीं, आखिरी जन्म में प्रजापिता तो सबसे जास्ती तमो प्रधान होना चाहिए, वो सबसे पुराना है या नया है? जो जितना ही पुराना होगा वो उतना ही तमो प्रधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अपना पत्नी दिखाया, भाई दिखाया, बहन भी दिखाया, लेकिन जगन्नाथ को भुजाएं होती हैं? बच्चा तो सहयोगी बनता है बाप का, एंड सन्स कंपनी नाम रखते हैं, उनको तो भुजाएं होती ही नहीं है, कोई सहयोगी नहीं बनता, कोई बच्चा नहीं इस दुनिया में रहता महाशिवरात्रि जब शुरू होती है जो उसका सहयोगी बना हुआ दिखाई पड़े। सारी दुनिया एक एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, इसलिए उनको कोई बच्चा नहीं दिखाया जाता। बच्चा बने मददगार? हाँ, बच्चे ही मददगार बनते हैं, और क्या, चच्चे मददगार बनेंगे? भाई दिखाता है, भाई क्या मददगार? हाँ, भाई उतना मददगार नहीं होता है, भाई भाई में झगड़ा भी हो जाता है, है? पत्नी को भी दिखाता है। हाँ, पत्नी भी, पत्नी तुम उनको पत्नी समझते हो? सुभद्रा पत्नी है क्या? है को पता नहीं कहाँ, अधूरा अधूरा ज्ञान है। का पत्नी शंकर तो है, तीनों आत्मा के मिश्रण है, शंकर में नहीं आता। हाँ,
मैं प्रजापिता का मतलब है जो पूरे 84 जन्म लेता है, एक दिन भी कम नहीं। तो कौन हुआ? शंकर का पार्ट या विष्णु का पार्ट सन 36 में कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में पार्ट तो 76 से शुरू होता है और विष्णु का पार्ट तो और बाद में शुरू होता है। तो मैं शंकर में आता हूं क्या? शंकर नाम पड़ता है तो प्रजापिता में आता हूं। शंकर नाम 76 में पड़ता है या उससे पहले पड़ता है? 76 में पड़ता है। तुम दोनों लोग साथ साथ बैठो, उठो। हाँ, विष्णु का शंकर का भी देवांकार हो सकता है। मुझे में आया है कि विष्णु का और शंकर का देवांकार हो सकता है। ठीक बात है, देहंकार नहीं होगा तो विकार में कैसे जाएगा, विष कैसे पिएगा? जिसको देह अहंकार होगा वही विष पिएगा कि दूसरा कोई पिएगा? है, बिना देह अहंकार के विष पीना हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो होता है। हाँ, औरों के मुकाबले कम परसेंटेज में होगा। किसमें? ब्रह्मा विष्णु शंकर में। और भगवान होता है कि भगवान पांच वर्षों के नियम में बंधा हुआ है, बाप जब आते हैं तो वो भी प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, अधूरा ज्ञान लेकर के तुम बोलते हो। भगवान पांच तत्वों के बंधन में बंधेगा या दूसरों को छुड़ाएगा? है, ये पांच तत्वों का बंधन प्रकृति का बंधन कहा जाता है। बाप आकर के बच्चों को प्रकृति जीत बनाता है या पांच तत्वों वाली प्रकृति के बंधन में बांधता है? हाँ, वो थोड़े समय के लिए पार्ट बजाता है ताकि गुप्त रह सके। और क्या हुआ बाबा? क्या है अपवित्र बनते है? जो अपवित्र बनते है वो प्रजना है। बाबा ने बताया जो रुद्रमाल का मन के वो पुरुष को लेते दुर्योधन के साथ। बाबा वो सब के प्रजना है। कौन प्रजा में आएगी? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। गाय नहीं है, फिर क्या बात है? अरे वो तो प्रजा का भी बाप है, वो राजाओं के राजा का भी बाप है, वो सबका बाप है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। कोई ऐसी बात है? कोई दुनिया की ऐसी बात है जो सृष्टि का बीज रूप बाप में न हो? है कोई बात? है, है? भाई लोग रुको रुको भाई लोग के पास आवाज नहीं है क्या? सुना क्या? बाबा, अरे रुको 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 नहीं सुना। हाँ बोलो। बुढ़ी में है, बूढ़ी माता जब बाबा से शक्ति मांगते हैं तो बाबा शक्ति नहीं देते। जब बूढ़ी माता है बुद्धि नहीं, जब बुद्धि मांगते हैं तो उन्हें बुद्धि नहीं देते, जब शक्ति मांगते हैं शक्ति देते हैं। अगर बाबा उन्हें बुद्धि होती तो वो अपनी बहुओं से क्या हाथ से खाते? जो बिकारी है उनकी जो बहुएं हैं वो बिकारी है तो उनके हाथों से भी खाते हैं। जो बाबा से शक्ति पाते हैं तो फिर अपनी बहुओं के हाथ से क्यों खाते हैं? जो हाथ से जो उनके जो बहु होते हैं ना, वधु जो होते हैं बहुओं का हाथ का खाना खाती है, वो भिखारी होते हैं बाबा, तो उनके हाथों से खाना खाते हैं। हाँ, खाते हैं, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला? हाँ बाबा, मुरली में है बाबा। बाबा ने ये बोला कि बहुओं के हाथ का खाना खाओ? नहीं बाबा, कहेगा नहीं खाना है, लेकिन वो बूढ़ी माता है खा रही है। खा रही है तो गलत काम कर रही है या बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रही है?
बाबा का डायरेक्शन फॉलो कर रही है, श्रीमत को मान रही है या डिसऑबे कर रही है? है? वो तो बाबा की श्रीमत को मानती ही नहीं। और अरे भाई नजदीक वाले को बोल लेने दो। परशुराम ने कितने किलो नष्ट किया और कितने किलो कौन सा? हाँ, जो परशुराम है वो परस शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्श, स्पर्श किया और कबाड़ा किया। वो संग का रंग लगाने वाला है, सबसे जास्ती संग का रंग लगाता है। तो कम कलाओं वाला है या ज्यादा कलाओं वाला है? कम कलाओं वाला है। ब्राह्मणों को नहीं संहार करता है, किसका संहार करता है? क्षत्रियों का संहार करता है। जो क्षत्रिय जन्म जन्मांतर राजा बनकर के रहे हैं, पक्का सन्यासी है या कच्चा सन्यासी है? 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 पक्का सन्यासी है। सन्यास धर्म में ज्यादा ताकत होती है या और धर्मों में ज्यादा ताकत है? 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 अभी ब्राह्मणों में ताकत है उतनी जितनी सन्यासियों में ताकत है? नहीं। और दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती? मैं संपूर्ण सुखमतम वासी संपूर्ण क्रमा में नहीं आता हूँ। जो इससे हम जैसे की होता है तो मैं संपूर्ण हो गया। पढ़ाई क्या क्या जरूरत को क्या भक्त के मस्त में मस्तक में रहकर के पढ़ाई क्या करता है? मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, संपूर्ण नहीं, ये शब्द नहीं बोला। क्योंकि जो संपूर्ण बन जाता है उसमें तो शिव निराकार प्रवेश ही नहीं करेगा, विकारी में प्रवेश करेगा या निर्विकारी में प्रवेश करेगा? विकारी में प्रवेश करता है। उसके बरखिलाफ दूसरी बात बाबा कैसे बोल सकते? बाबा एक ही बात बोलेंगे या दो बातें बोलेंगे? बाबा की तो एक ही बात है। जब बाबा ने एक बार कह दिया कि मैं तमो प्रधान विकारी में आता हूं, तो बाबा ये नहीं कह सकता मैं संपूर्ण देवता में आता हूं। तो सही बात है, वो सही बोलो, गलत बात मत बोलो। संपूर्ण ब्रह्मा माने विष्णु। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु बनता है या अधूरा ब्रह्मा विष्णु बनता है? संपूर्ण ब्रह्मा बनता है, उसमें आने की क्या जरूरत? और बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल सलाह हूँ, तो भावका से कोई मिलने आते हैं परंतु अंतिम में जो साहूकार लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी नजर बड़ों बड़ों पे जाती है या छोटों के ऊपर जाती है? वो गरीबों पर उनकी नजर रहती है या बड़े बड़े साहूकारों पर नजर रहती है, ऊंचे औहदों वालों पर रहती है? ये तो शिव बाबा ये है जो साधारण तने में आता है और गरीब निवास बनकर के कार्य करता है। तीन बार झंडा उतरते स्वाधीनता दिवस भी करते थे और अगस्त 15 शिवरात्रि और तीन बार झंडा अभी लहरा रहे थे। और बाद में झंडा नीचे उतार देते हैं क्या? नहीं ना, तीन बार, एक बार तो हुआ था, अभी तीन बार हो गए। हाँ तो वो 10 बार क्या रोज रोज झंडा लहरा है? अपने अपने मकानों पर उससे क्या होता है? कपड़े के झंडा लहराने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता।
ये कपड़े के झंडे की बात ही नहीं है, ये तो है चैतन्य कपड़े को लहराना संसार में। वो चैतन्य तीन प्रकार के कपड़े कौन से हैं जो नई दुनिया बनाते हैं? वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों पाठधारी मिलकर के जब एक हो जाते हैं, एक ही संकल्प हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, तो नई दुनिया बनती है। इसलिए यादगार में आज भी हमारे झंडे में तीन कपड़े दिखाए हैं। भक्ति मार्ग वाले स्थूल कपड़े दिखाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले भी वही स्थूल कपड़ा का झंडा लहराए, तो फर्क क्या रहा भक्ति मार्ग वालों में ज्ञान मार्ग वालों में? हमें कौन से कपड़ों को लहराना है संसार में? है वो चैतन्य तीन कपड़े कौन से हैं जो संसार में विश्व विजय करके दिखलावे? और शंकर को काशी नगरी सबसे प्यारा है, मुझे तो अपना घर कैलाश पर क्यों बना था? कैलाश स्थूल कैलाश पर बनाता है या सूक्ष्म कैलाश है? है स्थूल स्थूल काशी निकले ना, सूक्ष्म काशी। अरे ज्ञान मार्ग में स्थूल बातों को लिया जाता है या सूक्ष्म बातों को लिया जाता है? तो सूक्ष्म कैलाश कौन सा है? ऊंची स्टेज को सूक्ष्म कैलाश कहा गया है या नीचे की स्टेज को कहा गया है? हाँ, तो शंकर याद की ऊंची स्टेज में रहता है इसलिए कैलाश ही है। हाँ भाई लोग जो राजस्थान जा रहे अभी सेवा के लिए, उनको क्या कहेंगे पहला लड़ाई भाई लोग जो राजस्थान जा रहे हैं है? भाई लोग जो अभी राजस्थान सेवा के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से डायरेक्शन आया? है कोई है ऐसा जिसके पास लिखित में मधुबन से डायरेक्शन हो? टिकट तुम बीसियों रोज बुक कराओ, वो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बुक कराओगे? हैं? अरे बहन जी और बाबा जी उनसे पूछोगे बाबा हम शादी करें, तो बाबा कहेंगे हाँ करो। बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया, बाबा समझते हैं कि बच्चा उतना होशियार है कि बाबा के सामने भी जाकर के इतनी हिम्मत रखता है बाबा हमें शादी करें, तो जरूर बच्चा पावरफुल है। बाबा कहेंगे हाँ करके दिखाओ। बाबा तो चाहते हैं ऐसा बच्चा कोई निकले जो शादी करे और निर्विकारी रह के दिखाए। हाँ अव्यक्त वाणी में इतना इशारा जरूर दे दिया है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता है आवाज फैलाने वाला, आवाज फैलाने में सहयोगी कलकत्ता रहेगा। तो जिनको जिनको डायरेक्शन मिला है वो दिल पे हाथ रख के देखे हैं, वो डायरेक्शन हर हर बम बम की नगरी से आया है, विनाशकारी नगरी से आया है या दिल्ली से आया है? और बाबा है उमर तो बीमार नहीं होता है, तो है बीमार होता है उमर तो बीमार नहीं होता है, उमर 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 को बीमार नहीं होता है, उधर कुमार को बीमार होता है। ये क्या बोल रहा है? उमर को बीमार है, उमर को बीमार नहीं होता है, अवधर कुमार को बीमारी होता है। आज की दुनिया में कोई पढ़ा लिखा ऐसा कुमार है जो निर्विकारी हो? है कोई? वैसे भी बाबा कहते हैं
एक शीतला 100 ब्राह्मणों के बराबर और भक्ति मार्ग में 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार दिखाते हैं। माना एक कुमार की वैल्यू कितनी हुई, 700 शीतलाओं के बराबर। 700 कन्याएं एक तरफ और उनके मुकाबले पुरुषार्थ करने वाला एक कुमार निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कुमार बाहर की दुनिया की खाक छानते हैं, खास करके भारत में, और कुमारियां है बाहर की दुनिया में खाक छानते हैं या माँ बाप के डायरेक्शन पर अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। बाबा ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया, जब अनस्पुर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्योंकि उस पर बाप थी तो पदर का जाकर प्रवेश किया और या क्या किया, क्या करेगा, वापस परमधाम चले जाएगा है। अरे 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो जरूर 69 में ही शिव बाबा किसी ब्राह्मण धन में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भपिंड निर्जीव होता है, जीवन होता है उसमें प्रवेश करने से पहले, नहीं होता है। आत्मा प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे इंद्रियों में जीवन आएगा ना, संजीवनी आएगी, संजीवनी दवा भी दी जाती है तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसे ही 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ तबियत वाणी चल गई। उस अव्यक्त वाणी में बता भी दिया इस ब्राह्मण परिवार में वो श्रेष्ठ पार्ट है जो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो दुनिया में मौजूद होगा या नहीं होगा, होगा। प्रजापिता को कितना साल हुआ, कितना साल हुआ वो तो प्रजापिता से पूछो जाके, हमें क्या मालूम। हाँ उसी वर्ष में प्रजापिता वाली आत्मा प्रैक्टिकल में ज्ञान में दिखाई पड़नी चाहिए। अरे जनवरी में शरीर छोड़ा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कृष्ण के लिए कहते हैं, और आत्माएं तो 9 महीने में जन्म लेती है और कृष्ण 10 महीना में जाकर के जन्म लिया तो अक्टूबर भी जोड़ दो तो इसे साबित होता है कि जरूर नवंबर में वो आत्मा ब्राह्मण परिवार के बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी। और बाबा परम धाम में जो आत्मा है वो जड़ है या चैतन्य है? परम धाम 5 तत्वों की तरह जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? है कैसा तत्व है? जड़ तत्व है। परम धाम घर है, घर चैतन्य नहीं होता है। तो घर में जब आत्माएं पहुंचती हैं तो वो चैतन्य होती हैं या जड़वत होती है? है चैतन्य होती है, आना जाना करती हैं,
चैतन्य की परिभाषा भी मुरली में बताई है, जो बोल और चाल करता है, जो बोलता है और हलन चलन भी करता है, वो चैतन्य है। तो परमधाम में आत्माएं बोलती हैं, हलन चलन करती हैं, तो परमधाम में आत्माएं जड़वत हैं। इस संसार में वो आत्माएं जब आती हैं तो जागृत अवस्था में आती हैं, जब सो जाते हैं तो जड़वत है, जागृत है या स्वप्नवत है, है? परमधाम में जड़वत सुसुप्ति, इस संसार में जन्म ले लिया तो जागृति, और जब सो गए तो स्वप्नवत। ये तीन अवस्थाएं हैं।